हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट को हमने वेरियस एलिमेंट वेरियस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, जैसे बाय नेचर ऑफ एलिमेंट। नेचर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे कॉस्ट को मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस में क्लासिफाई किया गया। फंक्शन के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट और कॉमर्शियल कॉस्ट में क्लासिफाई किया गया। बाई डिग्री ऑफ ट्रेसबिलिटी में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्लासिफाई किया है। बाई चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्लासिफाई किया है। इसके अलावा भी अलग क्लासिफिकेशन है, कंट्रोलबिलिटी के बेसिस पे कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, नॉर्मलिटी के बेसिस पे नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, बाई रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग पीरियड कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट, बाई टाइम के बेसिस पे हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो ये सारे वन बाय वन हम आने वाले वीडियो सीरीज में हम सारे क्लासिफिकेशन देखेंगे। अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू प्लानिंग बजटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्लासिफाई किया गया है। बाय एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट में क्लासिफाई किया है। और मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये फाउंडेशन लेवल पे आपको जस्ट इसके बारे में पढ़ना है। जब आप इंटर एंड फाइनल लेवल पे आओगे तो ये जो ये वाला आपका कंप्लीट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका फाइनल लेवल पे। ये पार्ट यहाँ पे सिर्फ आपको नाम और बस इसके बारे में एक डिफिनेशन पढ़ना है। फाइनल लेवल पे सारे पे एक एक चैप्टर बन जाता है, तीन तीन चार चार घंटे की एक एक क्लास हो जाती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो बहुत वाइटल लेवल है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन, हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाई वन सारे कॉस्ट एलिमेंट को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। Thanks for watching this video. Bye. Take care. Best of luck.